खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर यूपी में हालत खराब, कोरोना जांच, अस्पताल में बेड और शव जलाने के लिए लग रही है लाइन। आप नेता संजय सिंह का बयान। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि पहले तो कोरोना जांच के लिए लाइन, फिर बेड पाने के लिए लाइन, उसके बाद कोरोना से संक्रमित मौत शव जलाने के लिए लाइन। उन्होंने कहा कि यूपी के लखनऊ से इतनी हालत खराब है कि लोग रोड पर मर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी से सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड और सांसद निधि के हजारों करोड़ रुपए कहां गए। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल भी पूछा है, बयान दिया है पलटवार, सुनिए। दुखी करेंगे। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केसेस आए, 5,300 से ज्यादा केस अकेले लखनऊ में आया, और लखनऊ के अंदर जो सवदागिरी की रिपोर्ट आ रही है वहां पर 24 घंटे लगातार लोगों की लाशें जल रही है, घंटों घंटे लोग लाइनों में लग के अपने परिवारजनों की लाशें जलाने का इंतजार कर रहे हैं, उनको टोकन लेना पड़ रहा है लाश जलाने के लिए। ऐसी दुखदायी स्थिति लखनऊ की बन गई है कि हजारों हजार लोग लाइनों में अस्पतालों के अंदर लगे हैं एक बेड पाने के लिए। सिविल अस्पताल में घंटों घंटे लोग लाइन लगा रहे हैं अपने कोरोना की जांच कराने के लिए, और जब उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो जा रही है तो शमशान में लाश जलाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, कोरोना के जांच कराने के लिए लाइन, बेड का इंतजाम पाने के लिए लाइन और लाश जलाने के लिए लाइन। और हमारी प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया था कि 2000 आईसीयू के बेड का इंतजाम करेंगे, लेकिन कहां है आईसीयू बेड? अगर आईसीयू बेड का इंतजाम है, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम है, तो फिर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है? एम्बुलेंस लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी जी 8 घंटे तक बेड पाने के लिए चक्कर काटते रहे। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, हो सकता है हम पर यह आरोप लगाया जाए कि ये विपक्षी पार्टी के हैं इसलिए बोल रहे हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी ने कहा कि रोडों पर लोगों की जान जा रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। जब हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स में चंदे के नाम पर कोरोना से निपटने के लिए इकट्ठा किया गया, सांसदों का 5-5 करोड़ रुपए दो साल की सांसद निधि कोरोना से निपटने के लिए लगाई गई, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, वो हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स का कहां गया? कितने आईसीयू के बेड बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने ऑक्सीजन बेड बने, कितना इंतजाम कोरोना से लड़ने के लिए भारत की सरकार ने किया, कितना इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, कितना इंतजाम आप लोगों ने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पिछले समय में किया है, वो सामने रखिए, खाका देश के सामने रखिए। आप ऐसे देश के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात से लेकर सारी बात आप कर डालते हैं, लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं, लोगों से सचेत होने के लिए कहते हैं। 11 तारीख से आज 14 तारीख तक आपने टीका उत्सव का ऐलान कर दिया पूरे देश में। अरे टीका तो टीका केंद्रों पर है ही नहीं है जहां टीकाकरण हो रहा है, तो ये टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया आपका। और जिस क्षण आप लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं कोरोना से, मास्क लगाने के लिए कहते हैं कोरोना से बचने के लिए, जिस वक्त आप पूरे देश को उपदेश दे रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी, अगले ही क्षण आप बंगाल के चुनाव की रैली की तैयारी कर रहे होते हैं, आपके गृह मंत्री चुनाव के रैली की तैयारी कर रहे होते हैं।
ये बहुत पीड़ादायक और दुखदायी है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज ये हालत उत्तर प्रदेश और देश की हो गई है। पूरे देश से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, 180,000 से ज्यादा प्रतिदिन केस अगर भारत में आ रहे हैं तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 180,000